Now next thing about basics of variables or what is mean by variables in C language. As we know, C is used to generally solving a particular special kind of problems in the form of expressions or conditions. Condition may be logical condition or relational conditions. For sake of completing any expression or condition, we must have required some variables. The basic definition of variables: variable is a name of memory locations, or variable is a containers. We are discussing in details that definition. Before that, we want to some basic constructs about variables. What is exact mean by variables? Variables can be exactly compared with files. What is the basic differences between variables and files? What is the use of files? Files are generally used to store data or information for long time or permanently. As we know, we have two types of memory locations: hard disk memory or RAM memory. But hard disk, in case of hard disk can store data permanently, whereas RAM will be stores data टेम्प्रेरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस. अगर किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कराना था यूज़ क्या करेंगे? हार्ड डिस्क मेमोरी. ओनली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन स्टोर कराना था यूज़ करेंगे रैम मेमोरी. देयरफॉर फाइल्स आर परमानेंट स्टोरेज एरिया. देयरफॉर फाइल्स विल बी क्रिएटेड इनसाइड फर्स्ट वन which place files are created, which place variables are created. Files are, as we know, in case of files every data or information will be stored permanently. Therefore files are created in the form of or inside hard disk memory, or file is a logical part of hard disk. Same as about variables. Variables is also same as, ऑलमोस्ट सेम एज फाइल्स, बिकॉज फाइल्स को क्रिएट करने का पर्पज़ क्या है? स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन और डेटा. सेम एज वेरिएबल्स को भी क्रिएट करने का पर्पज़ क्या है? ऑल्सो सेम, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन और डेटा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल्स और वेरिएबल्स? अगर इन्फॉर्मेशन परमानेंटली और लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना देन डेटा स्टोर करो इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स लाइक a.mp3 फाइल. फाइल्स के फॉर्म में किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करना पसंद, मे बी MP3 फाइल, इमेज फाइल्स लाइक दैट, और टेक्स्ट फाइल्स एंड सो ऑन. फाइल्स किस फॉर्म में स्टोर? परमानेंटली और टेम्परेरी. इट इज स्टोर्ड परमानेंट और फॉर लॉन्ग टाइम इनसाइड हार्ड डिस्क मेमोरी. सिमिलरली अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर करना फॉर स्टोरिंग रिजल्ट्स और स्टोरिंग इनपुट्स और स्टोरिंग सम मैसेजेस, इन दैट केस वी आर गोइंग फॉर रैम. एज वी नो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम विल बी रेसाइड्स इनसाइड रैम मेमोरी. रैम मेमोरी केस में अगर इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना था स्टोर किस फॉर्म में कराएंगे? वेरिएबल्स के फॉर्म में. इससे जनरली इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए टू पॉपुलर प्लेसेस हैं, हार्ड डिस्क और रैम मेमोरी. अगर डेटा परमानेंटली स्टोर करना फॉर लॉन्ग टाइम देन यूज करेंगे हार्ड डिस्क मेमोरी. सिमिलरली अगर डेटा टेम्परेरी फॉर्म में स्टोर कराना देन यूज क्या करेंगे इस केस में? रैम मेमोरी. मीन्स रैम के अंदर जब भी इंफॉर्मेशन स्टोर करा हुए, रैम के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करने के टू अप्रोच होंगे, टू पॉसिबल वे. जिस टाइप से हार्ड डिस्क के केस में भी इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करने के अप्रोच कितने? देयर आर टू वे. हार्ड डिस्क कैन कंटेन्स ओनली फाइल्स और फोल्डर्स, फाइल और फोल्डर. सिमिलरली रैम के केसेस में लॉजिकली डेटा टू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स और इन द फॉर्म ऑफ बफर, इनसाइड रैम. एज यू नो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम विल बी रेसाइड्स इनसाइड रैम मेमोरी. देयरफॉर वी आर हाईलाइटिंग हियर रैम मेमोरी. रैम के केसेस में जब भी इंफॉर्मेशन स्टोर कराओ, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के अप्रोच कितने हैं? या तो इंफॉर्मेशन वेरिएबल्स के फॉर्म में स्टोर कराओ या फिर बफर्स के फॉर्म. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स और बफर? वेरिएबल्स आर लीस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर आपको इंफॉर्मेशन सिंपली बाइट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मीन्स सपोज दैट किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए 1 बाइट 2 बाइट या 4 बाइट और 10 बाइट रिक्वायर्ड, देन एलोकेशन परफॉर्म कराएं इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स. अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कराना इन द फॉर्म ऑफ किलोबाइट्स देन यूज करेंगे इस केस में बफर्स. if you want to storing huge amount of information and you should use buffer. बफर के केसेस में एलोकेशन किस फॉर्म में करा, इन द फॉर्म ऑफ क्लो बाइट्स. वेरिएबल्स के लिए एलोकेशन किस फॉर्म में कराओगे, इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स. जनरली बफर विल बी यूज टू परफॉर्मिंग बेसिक रीड राइट ऑपरेशंस बिटवीन प्रोग्राम एंड कंसोल डिवाइस और फाइल्स. वी आर डिस्कसिंग लेटर इन मच अबाउट बफर्स. हियर वी वांट टू डिस्कसिंग ओनली वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस. व्हाट इज मीन बाय मेमोरी लोकेशंस? हियर वेरिएबल्स आर कंपेयर्ड विद फाइल्स. एज वी नो whenever you want to storing some message or value inside file, you want to storing 10 को स्टोर कराने के लिए टू पॉसिबल केस होंगे. या तो 10 मुझे परमानेंटली स्टोर करना है या फिर टेम्परेरी. अगर परमानेंटली स्टोर करना है तो स्टोर किस फॉर्म में कराएंगे, इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स. फाइल्स के रिस्पेक्ट में फाइल्स कहाँ क्रिएट करोगे, इनसाइड हार्ड डिस्क मेमोरी. फाइल्स आर क्रिएटेड इनसाइड हार्ड डिस्क मेमोरी. अगर फाइल के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर डायरेक्टली इस इन्फॉर्मेशन को 10 को स्टोर कराओगे, देन इसको सर्च करना या एक्सेस करना पॉसिबल नहीं. करेंटली डेटा हार्ड डिस्क के अंदर किस प्लेस पर अवेलेबल, बिकॉज हार्ड डिस्क के जगह लैक्स ऑफ बाइट्स और मिलियन ऑफ बाइट्स लाइक दैट, बिकॉज इट इज कंपेयर्ड कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ जीबीज. तो जीबी के फॉर्म में डेटा अवेलेबल अगर आपको सिंपली 10 स्टोर करना है, स्पेस कैपेसिटी का हार्ड डिस्क के अंदर फॉर्म ऑफ जीबी में भी 1 TB मे बी 512 GB लाइक दैट. अगर हार्ड डिस्क के अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड किया हुआ सम रिजर्व्ड प्लेस, और हार्ड डिस्क के अंदर मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स. ये जिस प्लेस पर 10 स्टोर किया उस प्लेस को किसी पर्टिकुलर नेम से आइडेंटिफाई करेंगे. हियर नेम विल बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स. फाइल्स आर नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस इनसाइड हार्ड डिस्क. सिमिलरली वेरिएबल्स आर नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस इनसाइड रैम. अगर सेम टाइम मुझे परमानेंटली स्टोर करना, देन फाइल्स के फॉर्म में स्टोर करा. अगर टेम्परेरी स्टोर कराना, देन स्टोर कराएंगे इन द फॉर्म ऑफ रैम. सेम एज और 10 को जब रैम के फॉर्म में स्टोर करा, रैम के अंदर डेटा किस फॉर्म में स्टोर करा, फॉर लॉन्ग टाइम और टेम्परेरी पर्पज, ओनली फॉर टेम्परेरी पर्पज. अगेन जिस टाइप से हार्ड डिस्क के अंदर डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या होता है, प्रोवाइडिंग सम नेम ऑफ लोकेशन. हार्ड डिस्क के अंदर नेम किस फॉर्म में प्रोवाइड हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ फाइल नेम. सिमिलरली रैम के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना है तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने से पहले कुछ लोकेशंस एलोकेट करने होंगे, सिक्वेंस ऑफ बाइट्स और रिक्वायर्ड बाइट्स. रैम के केस में डेटा या बाइट्स एलोकेट होंगे इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल नेम्स. जिस टाइप से फाइल क्या है, इस केस में फाइल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन inside hard disk. Similarly, variable is a name of memory location inside RAM. Files are stored data for long time or permanently. Variables are stored data during executions. It is responsible for storing information during execution. Which types of information will be stored in the form of variables? May be some results or input to the programs or output to the programs, like that. These are basic things. जब मेमोरी के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट करो तो वेरिएबल्स सभी वेरिएबल्स यूनिक एड्रेस में क्रिएट होंगे. तो किसी भी वेरिएबल्स के पॉपुलर प्रॉपर्टीज कितने होंगे, वेरिएबल नेम्स, वेरिएबल वैल्यूज एंड वेरिएबल मेमोरी एड्रेस. वी वांट टू डिस्कसिंग मच अबाउट वेरिएबल्स. नेक्स्ट वन, वेरिएबल्स को क्रिएट करने के जनरली सिंटैक्सिस क्या फॉलो करेंगे, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम्स. हियर यू वांट टू क्रिएट फॉर एग्जांपल अनदर केस ऑफ वेरिएबल रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स. सपोज दैट इफ यू वांट टू डिस्कसिंग और इफ यू वांट टू सॉल्विंग एन एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स. अदर केस, अभी मैं करेंटली प्रोग्राम्स की बात नहीं कर रहा, इन नॉर्मल केस इन मैथमेटिकल फॉर्म्स. मैथमेटिक्स के केसेस में अगर बात करें, अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन अवेलेबल लाइक 2x + 5y - 11 लाइक दैट. यू आर हैविंग सम एक्सप्रेशन लाइक दैट इन मैथमेटिकल फॉर्मेट्स. मैथमेटिकल फॉर्मेट्स के केस में बात करें, किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, सम स्पेस इन द फॉर्म ऑफ कॉपी और पेपर. किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए नॉर्मली यूज क्या करते हैं, सम पेपर और कॉपीज. नॉर्मल केस में डिस्कस कर रहा हूँ करेंटली, विदाउट एनी कंप्यूटर सिस्टम इन नॉर्मल लाइफ। अगर नॉर्मल लाइफ में जब भी कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व कर देते हैं तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या होता है? कॉपी और पेपर। पेपर्स के रिस्पेक्ट में बात करें, पेपर का एग्जिस्टेंस कैसा है? फिजिकल और लॉजिकल एग्जिस्टेंस। पेपर और कॉपीज या फिजिकल एंटिटी प्लस पेपर्स के केसेस में किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाते हैं सम पेन, लाइक दैट। इसके साथ पेन के एग्जाम्पल के लिए कोई आपके पास पेपर, इसके डायमेंशंस हैं समथिंग 10 by 4 inches, लाइक दैट। इन दैट केस जब इस पेपर के फॉर्म में से एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट केस क्या रहेगा? इसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हुआ? इस केस में यूज के एंटिटीज क्या यूज किए हैं? फर्स्ट वन 2। हियर यूजिंग सम कॉन्स्टेंट्स, 2 इज कॉन्स्टेंट, 5 इज कॉन्स्टेंट, -11 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। सेम एज एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई इज अ वेरिएबल्स, प्लस एंड माइनस इज अ ऑपरेटर। मीन्स किसी भी एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में यूज कर एक्सप्रेशन इज अ collection of operators, expression is a collection of operators, here we are using operators plus and minus, and collection of variables, we are using variables as x and y is considered as variables. Variables are changeable things. Next one, constants, some constant values, constants, here 2, 5 and 11 will be a constant। इस एक्सप्रेशंस की बात करें नॉर्मल केस में एक्सप्रेशंस क्या है? एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्टर्स। अगेन वी आर यूजिंग वेरिएबल्स इन नॉर्मल केस में। मैथमेटिकल फॉर्मेट में भी किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए अगेन फिर से एक्सप्रेशन के केस में यूज किया जा रहा है सम वेरिएबल्स, और वेरिएबल इज अ मे बी अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। बिफोर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन Which things is required? 2, 5 और 11 के रिस्पेक्ट में आते हैं इनका टाइप क्या? कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स आर ऑलरेडी वेल नॉन टू द पर्सन्स। इस केस में जब तक आपके पास इन वेरिएबल्स का वैल्यू अवेलेबल नहीं, एक्स और वाई का वैल्यू अवेलेबल नहीं, ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं। तो सबसे पहले पुट क्या करोगे? राइट क्या करते हैं? एज्यूम x = 3 and y = 2, like that। Here again we are assigning some value for that variable for solving this expressions। Next one is जहाँ भी आपने x यूज किया है x के प्लेस पर क्या पुट करोगे? समथिंग 2 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर पुट क्या हो जाएगा? 3 + 5 इज कॉन्स्टेंट। y के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं? 2 - 11। 6 + 10 - 11 is equals to what is the final result? समथिंग 5, whatever। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस केस में जब भी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हुआ है? सम एरिया और स्पेस, एरिया और स्पेस ऑन द पेपर और इन द फॉर्म ऑफ पेपर। जिस टाइप से किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हो रहा है? सम स्पेस ऑन द पेपर। सिमिलरली अगर सेम एक्सप्रेशन कंप्यूटर्स के थ्रू सॉल्व करा दे या किसी प्रोग्राम्स के थ्रू सॉल्व करा हो तो प्रोग्राम्स के केसेस में प्रोग्राम का ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस प्रोग्राम्स विल बी स्टोर्ड इनसाइड रैम मेमोरी, बट देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा इनसाइड रैम। डेटा विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इनसाइड रैम मेमोरी, और रैम इज अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स, रैम इज अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स, like that। Next one, all bytes are uniquely identified based on some memory address, we are assigning some address at 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on, like that। Then same expression agar systems के through solve करना by using some programs with the help of some instructions, again 2, 5 and -11 is a constant, there is no need of allocating separate space for that constants, but we have required memory space for storing that variables। मीन्स अगर आप डायरेक्टली रैम मेमोरी के किसी पर्टिकुलर प्लेस पर टू या थ्री असाइन कराओ, देन आपके लिए डायरेक्टली लोकेशंस एक्सेसिबल नहीं, बिकॉज पेपर्स के फॉर्म में सब कुछ फिजिकली हो रहा है, इसलिए डायरेक्टली सॉल्व करना पॉसिबल है। बट रैम रियली रैम इज नॉट विजिबल, फिजिकली विजिबल टू द यूजर। रैम की किसी बात नहीं हो, डेटा विच इज स्टोर्ड इनसाइड रैम, तो रैम के अंदर कोई डेटा स्टोर है ना, ये कभी डायरेक्टली देखना पॉसिबल नहीं है। अलोंग टू यूज दिस वेरिएबल, इन वेरिएबल्स के वैल्यूज सॉरी इन कॉन्स्टेंट्स को या वैल्यूज को एक्सेस करने के रिस्पेक्ट में प्रोवाइड क्या करेंगे, सम नेम। अगर इस लोकेशन को किसी पर्टिकुलर टाइप का नेम असाइन कर दिया जाए, लाइक नेम एज एक्स, सेम एज नेक्स्ट लोकेशन असाइंड एज नेम एज वाई। फर्स्ट केस में इस ब्लॉक को नेम क्या दिया इस केस में लॉजिकल नेम एज एक्स, लॉजिकल नेम एज वाई। देन जब एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, तो जब भी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के रिस्पेक्ट में इनसाइड मेमोरी प्रोसेसर्स के थ्रू जब भी ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, 2 × (x + 3y) 3 × (y) - 11 समथिंग। तो इस केस में x के प्लेस पर क्या रिप्लेस करो, वैल्यू ऑफ x, y के प्लेस पर रिप्लेस क्या करें, वैल्यू ऑफ y। तो x का वैल्यू किस प्लेस से आएगा, फ्रॉम रैम मेमोरी। सेम इज y का वैल्यू किस प्लेस से आएगा, फ्रॉम रैम मेमोरी। देन कंप्यूटर सिस्टम के लिए पर्टिकुलर एक्सप्रेशन सॉल्व करना पॉसिबल है। फाइनली जिस टाइप से किसी भी एक्सप्रेशन को पेपर्स के फॉर्म में सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, सम स्पेस। सिमिलरली किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हुआ, सम स्पेस इनसाइड रैम। मीन्स रैम को आप कंपेयर करोगे बाई पेपर्स के केस में स्टोर क्या करा हुए, सम एक्सप्रेशंस और सम डेटा। सिमिलरली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज क्या करेंगे कंप्यूटर्स के केस में, रैम मेमोरी। और रैम के केस में बात करें, रैम क्या, रैम इज अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स, रैम इज अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स। जिस टाइप से प्रीवियस केस में इस एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए पेपर का स्मॉलेस्ट पार्ट भी यूज करना पॉसिबल है, सेम एक्सप्रेशन होल पेज में भी यूज करना पॉसिबल। अगर आप स्मॉल फॉन्ट्स यूज करो देन स्मॉल पार्ट में सॉल्व करना पॉसिबल है। सेम है अगर लार्ज फॉन्ट्स यूज करें देन लार्ज सेशन में स्टोर करना पॉसिबल है, लाइक दैट। प्रीवियस केस में इसका पेपर का कितना एरिया यूज हुआ था, समथिंग 1/2 हाफ वर्ड। नेक्स्ट में राइटिंग सेम एक्सप्रेशन लाइक दैट, एज्यूम x = 2, y = 3 something, then 2 × (5) + 5 × (3) - 11 some results 4 15 15 + 4 is 19 - 11 is 8। again same expression result क्या है, 8। इसे स्मॉल फॉन्ट्स यूज किए तो पर्टिकुलर सेम केस 1/3 में स्टोर या मैनेज करना पॉसिबल है। सेम है अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के रिस्पेक्ट में वेरिएबल्स के लिए कितना स्पेस प्रोवाइड करना है। तो स्पेस किसके बेस पर आइडेंटिफाई होगा, बेस्ड ऑन डेटा टाइप ऑफ एन वेरिएबल्स। इस किसी भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स यूज करेंगे डेटा टाइप, syntax for creating any variables, data type and variable names. Variable name may be any valid identifier name, some value like 10, like that. Then read this expression, read this definition of variable. Variable is a logical name of memory location. In memory locations में डेटा रिजल्ट को स्टोर करने से पहले कुछ रिजर्व्ड स्पेस रिक्वायर्ड होगी। स्पेस रिजर्व करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स और स्पेसेस को यूज करने के लिए यूज क्या करेंगे, सम वेरिएबल नेम्स। दीज आर बेसिक थिंग्स अबाउट वेरिएबल्स।